बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति विहीन समाज की, जाति विहीन देश की स्थापना की जो एक जड़ जमाने की कोशिश की थी, जो एक बात उन्होंने संविधान में भी लिखी है इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बल दिया, तो कहीं ना कहीं देश में अस्पृश्यता के माहौल की वजह से वो शायद सपना पूरा ना हो पाया। तभी आज 71 साल की देश की आज़ादी को होने के बावजूद भी समानता का जो माहौल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के अंदर देखना चाहते थे वो कहीं ना कहीं कोसों दूर है। लेकिन अब हमारे जो युवा हैं वो पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं इस बात को समझने लगे हैं, उनके अंदर जाति का दंश नहीं है। कहीं ना कहीं वो पढ़ने के बाद जब उनको नॉलेज मिली, जब उनको ज्ञान मिला, तो शायद उन्होंने इस चीज़ से उठकर कुछ समाज को बनाने के लिए सोचा। इसी कड़ी में हमारे साथ एक जोड़ा यहाँ पर बैठा हुआ है, हमारे साथ वृतिका है यहाँ पर और हिमांक हैं, लगभग 4 साल इनकी शादी को हो चुके हैं, एक बहुत ही सुंदर जोड़ा आज हमारे साथ बैठा है। हिमांक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और वृतिका जनरल कास्ट से हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे क्या वो मैसेज है जो ये देना चाहते हैं पूरे भारत के युवाओं को, जातिवाद से ऊपर उठकर भी कोई सोच है। हिमांक, सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा जी सर, कि जब आप दोनों का स्टार्टिंग हुआ, शुरुआत हुई आप दोनों की, आमतौर पर स्कूल में या कॉलेजेस में या पार्क में कुछ इस तरीके की शुरुआतें होती हैं, फिल्मी स्टाइल में शुरुआत होती हैं, तो क्या हुआ था आप लोगों के साथ में? सर एक्चुअली हम क्लास में दोनों क्लासमेट थे जी, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम मतलब कि अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ में और अदर जो स्कूल में प्रोग्राम्स होते उसमें एक्टिव रहते थे। और एक साइंस फेस्टिवल हुआ था हमारे स्कूल में सेंट डॉन बॉस्को लखीमपुर खीरी, और वहाँ से हम लोगों ने टच में आए बिकॉज हम दोनों एक ही ग्रुप में थे जी, और जो हमारा टाइटल था वो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे था जी, तो वी बोथ वर बायोलॉजी स्टूडेंट दैट टाइम। तो हमने वहाँ से अपना प्रोजेक्ट तो बनाया, बाकी हमने अपने आप को सोचा कि हाँ भाई हमारे अंदर कुछ ऐसा फीलिंग है जो हम टेक हो सकते हैं जी। तो ये बात 2004 की है, 2004 की, तो उसके बाद से हमने फिर अलग रह के पढ़ाई करी दोनों ने अपनी। शी वॉज़ डूइंग बीए फ्रॉम द सेम सिटी इन लखीमपुर खीरी एंड आई वॉज डूइंग बीबीए फ्रॉम। किस क्लास में थे तब आप जब आपने? 11th हम 11th क्लास में थे। ठीक है, 2004 में। यस यस, एंड वी डिड 11th एंड 12th सेम टुगेदर, और 12th में मेरे फादर का ट्रांसफर वहाँ से हो गया था। 11th क्लास और 12th क्लास में आप प्रपोज कर चुके थे वृतिका को? यस यस यस, 11th क्लास में मैं प्रपोज कर चुका था जी। तो उसके बाद से जब हमारा 12th क्लास हम जब अलग हो गए, अपना मतलब कि सिटी में पहुँच गए, मैं मुरादाबाद आ गया और ये लखीमपुर में रह गई। बट उसके बाद वी बोथ गॉट अ गुड रैंक बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन फॉर मी एंड रिजर्वेशन फॉर हर ऑल्सो एज अ गर्ल्स रिजर्वेशन विच मायावती हैज़ पास्ड। तो उसकी वजह से वी बोथ गेट अ गुड रैंक, बट हमारी जनरल में भी अच्छी रैंक थी, वी वॉज अप्रिशिएटेड एंड वी गॉट अ गुड कॉलेज, हमको अच्छा कॉलेज मिला। हम दोनों ने वहाँ से MBA साथ में करा, 2 साल अपनी ज़िंदगी के वहाँ पे करे दिल्ली में, और फिर वहाँ से हम दोनों को साथ में प्लेसमेंट मिल गया। ये अपनी जगह पे वर्क कर रहे थे, हम अपनी जगह पे कर रहे थे, और हम दोनों ने फिर अपनी जो अपनी नौकरी की लाइफ है, बैचलर लाइफ है, वो अपने MBA के बाद भी 3-4 साल तक और कंटिन्यू करी। वृतिका, आपको कब पता चला कि वो SC कैटेगरी से हैं, जबकि हमारे देश के अंदर जनरल कैटेगरीज के अंदर एक बहुत ही बड़ा, इसको एक पाप की दृष्टि से भी देखते हैं, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, SC कैटेगरीज के ऊपर जब एक जनरल कैटेगरी वाला बड़े अजीब से तरीके से कहता है, अरे यार ये तो यार, आपको कैसी फीलिंग हुई जब इन्होंने पहली बार आपको बताया? नहीं, बहुत ड्रामेटिक तरीके से पता चला था एक्चुअली, इन्होंने नहीं बताया था। हम कहीं पर बाहर थे किसी फंक्शन में कहीं पर, तो वहाँ पे इनके फैमिली मेम्बर्स थे, फैमिली मेम्बर एज एन इनके फादर और इनकी सिस्टर थी, तो वो मैं एज ए क्लासमेट, मतलब हनी हिमांग की क्लासमेट है, तो इस तरीके से मुझसे मिली, तो बातों में शी टोल्ड मी कि वी आर फ्रॉम SC कैटेगरी, कुछ ऐसा टॉपिक हुआ तो उन्होंने बोला। देन आई रियलाइज ओह अच्छा, क्योंकि टिल देन हम लोग ये सोच रहे थे कि नहीं, वी आर फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड,
कभी बात ही नहीं करी बेसिकली। वो दिमाग लगते भी नहीं है कि हाँ लगते भी नहीं है और कभी दिमाग में आया भी नहीं जी। फिर मतलब नेक्स्ट डे ये मेरा मतलब मेरी फैमिली बहुत मॉडर्न है इस चीज़ को लेके कि फ्रेंड्स चाहे कोई भी हो कोई भी आ सकता है लड़का हो या लड़की। तो ही केम ओवर तो मैंने इनको बोला कि ऐसे ऐसे आई कम टू नो तो ही वॉज लाइक ओके हाँ ये है बट अपना इन्होंने जो आपको बोला यही कि हमारा रिलेशनशिप ख़राब ना इसलिए मैंने बताया नहीं जो एक नॉर्मल मेंटेलिटी थी उस समय। देन वी वुड थिंक ओवर ओके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा। ज़्यादा उस समय टेंशन नहीं ली क्योंकि पढ़ रहे थे जी। तो बस ये सोचा ठीक है विल कंटिन्यू विल सी। बस उसके बाद पढ़ाई पे फोकस करियर पे फोकस ज़्यादा था उस समय। मेजर इस पे बात तब उठी जब शादी की बात करी जी। तो पहले वी बोथ डिसाइडेड कि यस वी वांट टू गेट मैरिड। उसके बाद घर पे जिस तरीके से इन्होंने बताया सही बात पहुंची। इनके घर पे भी डिस्कशन होगा हुआ होगा आई एम श्योर कि दूसरी कास्ट की लड़की आ रही है। मेरे घर पे भी सेम डिस्कशन था तो माय फादर जस्ट आस्क मी तुम्हें एडजस्ट करना है यू आर ओके देन वी आर ओके। तो मैं इनके इनको जानती थी तो मैंने कभी ये चीज़ महसूस ही नहीं करी कि कुछ डिफरेंस है जो ऐसे मैं सोचती हूँ वैसे ये भी सोचते थे कुछ ऐसा था नहीं जो अलग हो सोच में। तो वर्तिका क्या आपने कभी कोई स्टोरी इस तरह की सुनी है जहाँ पर जनरल कैटेगरीज ने एससी कैटेगरीज को नेगलेक्ट किया हो? ये तो पूरे भारत के अंदर आम चीज़ है जी। और आप चूँकि सर मैंने नहीं सुनी सच बताऊं तो जी जी जी। और जब मैं अब सुनती हूं क्योंकि अब शायद ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं सोशली तो मैं अब ज़्यादा सुनने में आता है तो मुझे लगता है पता नहीं मैं कहाँ रह रही थी जो मैंने ये सब नहीं सुना। तो क्या क्या अंदर से क्या फीलिंग निकलती है? बहुत बुरा लगता है। एक आदमी को इतनी हीन भावना से देखता है। हाँ बहुत बुरा लगता है और मैं बहुत प्राउडली अब सबको बोलती हूँ यहाँ मैं एससी हूँ। मतलब मैंने कभी भी छुपाया नहीं है एज आई एम अ बिजनेस वूमन नाउ। समटाइम पीपल कम ओवर वो पूछते हैं मुझसे आप कौन से कास्ट के हो तो मैंने कभी भी उनको ये नहीं बोला है कि मैंने इंटरकास्ट मैरिज करी है मैं जनरल हूँ या मैं सीधे बोलती हूँ हाँ मैं एससी हूँ। मतलब बिजनेस के ऊपर भी अब आपको महसूस होता है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके ऊपर भी कास्ट जो हाँ, है वो इफेक्ट मारता है। बिल्कुल लोग आके पूछते हैं आपसे पूछने का मतलब ही क्या है आप जो लेने आए हो आपने वो ले लिया आप लेके जा रहे हो तो कास्ट से का तो सवाल ही नहीं उठता। बट देन ऑल्सो वो देखेंगे और आपसे पूछेंगे आप कौन से कास्ट के हो। अच्छा मतलब उसमें दोनों तरीकों के भावनाएं मैंने देखी हैं। एक्सप्रेशन फेस एक्सप्रेशन जो उनके होते हैं। जी एक बार तो हमें ऑटो से उतार दिया था। yes. एक बार हम दोनों ही थे हमारी शादी भी हो चुकी हम थी दिल्ली में हमें ऑटो से उतार दिया था। टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहे थे जी और हम लोग अपने घर आ रहे थे तो हम लोग बैठे हुए थे तो वो उस बंदे ने हमको देख के ऐसा फील नहीं करा कि वी आर एससी जी। तो वी आर ट्रेवलिंग हम चल रहे थे तो हमने उससे कहा कि हमको थोड़ा सा आगे तक उतार दो। तो उसने कहा ठीक है हम आपको अपने घर तक आपको छोड़ कर आएंगे आप टेंशन मत लीजिए। उसने बातों में एक बात पूछी आप कौन सी बिरादरी से हैं? मैंने कहा मैं जाट हूँ और ये पंजाबी समाज से। तो इतना उसने सुना और उसने कहा कि आपको कहाँ तक जाना है? मैंने कहा आप वहाँ तक घर छोड़ दिए। उसने हमको तुरंत वहीं बताया कहते नहीं नहीं अब हम वहाँ तक जाएंगे मैं तक जाएंगे आप यहाँ से चलेंगे। अब सर यहाँ पे एक चीज़ देखिए ना उस बंदे ने उसने अपना नाम बताया था वो शर्मा समथिंग आई डोंट नो। एक चीज़ आप देखिए उस बंदे ने एक औरत को टारगेट नहीं करा जी। कि यार वो कौन सी कास्ट की है बट उसने एक आदमी को देखा जो साथ बैठा हुआ है। हाँ मतलब कि यहाँ पे पुरुष और आदमी की समानता भी नहीं है जी। समझ रहे आप अगर मैं हूँ ऐसी तो मेरी वाइफ चाहे कोई भी बिरादरी जो पंडित हो रहा हूँ वो भी ऐसी ही है लेकिन उसने उस समानता को नहीं देखा कि अभी एक औरत है एक आदमी है। अच्छा उसको नहीं लिया उसने पहले मेरे को ले लिया। अब आपकी शादी को 4 साल हो चुके हैं आपको क्या लगता है जैसे कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि आपको जातिवाद के बारे में या इन सब चीज़ों की जैसे आपने कहा कि मेरे को तो आज तक कभी ऐसी फीलिंग हुई नहीं लेकिन शादी के बाद फीलिंग हो रही है। तो जैसा कि हिमांग के और भी दूसरी जो फैमिली मेम्बर्स हैं है ना जो रिश्तेदार हैं चाचा हैं ताऊ हैं फूफा हैं उनकी फैमिली के अंदर इस तरीके से जब बातें निकल कर आती हैं तो और शादी को 4 साल हो चुके हैं आपको क्या लगता है कि वो लोग खुश हैं कि हिमांक ने इंटरकास्ट मैरिज की और कहीं ना कहीं जो जातिवाद का दंश हमारा समाज झेल रहा है उसको आप दोनों दूर करने में इस समाज की मदद करेंगे? हाँ मतलब मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं कहीं बाहर से आई हूँ कुछ अलग हो रहा है कुछ ऐसा नहीं है मतलब कभी भी नहीं। और सब वैसे ही है मतलब मैं सबके साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हूँ ना मैंने कभी फील किया कि मैंने दूसरी जगह से आई हूँ। अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या किसी एससी कैटेगरी के कस्टमर ने
साथियों आप भी सुने, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर पूछने वाला हूँ, क्या कभी एससी समाज के किसी कस्टमर ने आपसे आकर पूछा है कि आप किस कैटेगरी से हैं तभी मैं सामान लूंगा, या अदरवाइज कुछ इस तरीके की बात? नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक मुझे, बट कास्ट पे मुझे बहुत लोग पूछते हैं, ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने शादी अपनी 27 की थी तब किया था, तो टिल 27 ईयर्स मैंने किसी को ये आंसर नहीं दिया है कि मैं किस कास्ट की हूँ, क्योंकि किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। कोएड स्कूल थे तो कभी ऐसा वहाँ पर लगा भी नहीं होगा ना? कोएड में किसी ने पूछा ना, मैं जब जॉब में थी तब मुझसे किसी ने पूछा, मुझसे कभी भी ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा है। हाँ, जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से मैंने इस क्वेश्चन का बहुत बार आंसर दिया। अभी आपकी शादी को 4 साल हो चुके हैं, बड़ा हैप्पी लाइफ आप दोनों बिता रहे हैं, आपको एक बेबी भी है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक ऐसी कैटेगरी में शादी होने के बाद, जो जनरल कैटेगरी है, जो घृणा की दृष्टि से, जो एक शेमफुल दृष्टि से समाज को देखती है, उस समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई गेस वो सब एजुकेटेड नहीं है, दे आर नॉट यूजिंग देयर एजुकेशन प्रॉपरली, और ना ही वो मेंटली उतने डेवलप हैं, क्योंकि कुछ भी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने खुद देखा है, जो IAS कैटेगरीज के हैं, जो PCS कैटेगरी के हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो तक ये लिखते हैं कि यार एक ये ऐसी कैटेगरी का डॉक्टर है तभी इसने पेट फाड़ा, उसके अंदर कैंची छोड़ दी। मतलब ये एक नहीं एक, सर इस पे तो थोड़ा अलग हो गया मैटर ही आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा हमारे मैटर से नहीं मैच करेगा शायद। नहीं, मैं आपके व्यूज जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस पे समाज के लिए जी। तो सर मैं यही बोलूँगी कि जो ऐसा करते हैं जिनको लगता है कि कुछ अलग है, तो कुछ भी अलग नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कभी भी फील नहीं किया कि मैं कहीं और आ गई हूँ, बहुत कुछ अलग है, सब कुछ सेम है, मेंटालिटी भी सेम है। इफ़ आपको लगता है कि वो नैरो माइंडेड है तो रियली सॉरी, अभी मैं इंडियन पहन के बैठी हूँ, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ वेस्टर्न पहन के भी बैठ जाऊँगी, मेरे फादर इन लॉ भी यहाँ होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिर्फ ये इस घर की बात नहीं है, मैं सारे फैमिलीज़ को देख रही हूँ, इनके समाज के कई लोगों से मिल चुकी हूँ जो कि मेंटली काफ़ी डेवलप्ड हैं अब और बहुत ओपन माइंडेड हैं। सो अभी अभी अभी, अभी वृत्तिका ने बौद्धम ग्रहण करने की ठान ली है। हाँ, थिंकिंग ओवर इट, अभी पहला एक्सपीरियंस है, इतना एक्टिवली पार्ट पहले नहीं लेती थी, इस बार लिया है, अच्छा लगा है, काफ़ी कुछ सुना है, काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी बाबा साहब के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, क्योंकि बहुत ऊपर ऊपर से सुन लेती थी, इवन मम्मी पापा के मुंह से भी सुनती थी, बट इतना शायद तब अट्रैक्ट नहीं हुई। हाँ, अब अच्छा लग रहा है सुन के। साथियों, आप सभी करोड़ों दर्शकों की तरफ से और इस पूरे बहुजन चैनल की तरफ से, बहुजन TV, UTV और समता आवाज़ TV की TV चैनल की तरफ से, मैं हिमांक और वृत्तिका को एक तो पहले आपके भविष्य के लिए, आपके बहुत ही सफल वैवाहिक जीवन के लिए बधाई देना चाहूँगा, और साथ ही साथ मैं उन करोड़ों दर्शकों को भी ये जानबूझकर ये दिखाना चाह रहा था कि यार आप देखिए आप किस मेंटलिटी में रह रहे हैं, किस मेंटलिटी में जी रहे हैं, कहाँ आपका ध्यान है, क्या आप इस देश को, देश के आने वाले भविष्य को, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, एक सीखिए एक इन एक युवाओं से, इन अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, 30-35 साल की उम्र होगी, लेकिन सीखिए, आपको कहीं ना कहीं अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हिमांक क्या कहेंगे इस बारे में, चलते चलते? सर एज इतनी नहीं थी। सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि आप फोर्स करो किसी लड़की पे, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी लड़की फोर्स करो, बट आप एजुकेटेड इतना अपना मेंटल लेवल, अपना एजुकेशन लेवल इतना डेवलप कर लो कि दूसरी लड़की आपके पास आपसे एक रिलेशनशिप में, इधर आपसे मैरिज के रिलेशनशिप में आपसे जुड़ने को तैयार हो जाए, तभी मैं समझूंगा कि बाबा साहब का जो समानता वाला जो देश है वो पूरा होगा, पूरा होगा जी, बिल्कुल। और कुछ भी अलग नहीं है, मतलब लाइक लोगों को लगता है सर ढकना, और जनरल कास्ट में ऐसी कई कास्ट हैं जिसमें आपको सर ढकना बहुत कंपलसरी होता है, आप सामने नहीं जा सकते, बहुत सारी कास्ट हैं, तो कास्ट वाइज ये प्लीज़ मत डिवाइड करिए, सब इक्वल है, सब जगह रहना खाना पीना सब सेम है, मेंटली सब उतने ही डेवलप हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है। साथियों, बहुजन चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे बहुजन चैनल्स आपको वो खबर दिखाते हैं जिन खबरों को दूर दूर तक भी स्ट्रीम और हमारे देश का नेशनल मीडिया नहीं दिखाता है। कहीं ना कहीं हम लोग एक संदेश देने की कोशिश करते हैं, समाज के अंदर एक समानता बनाने की कोशिश करते हैं। मैं मनोज अंतानी पूरे बहुजन मीडिया की तरफ से पुनः आप सभी लोगों का साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।